पूरे दिन कचरा बीनते हैं, कई कई दिन उनको खाना खाए हो जाते हैं, उनके माता पिता सक्षम नहीं है कि उनको खाना दे सके। ऐसा समय हमारे घर में भी था कि एक दिन हमारी मम्मी बोली कि भाई आज तो घर में आटा भी नहीं। तो वो समय को सोचकर उस स्थिति के लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे वो मेरे पहले वाले दिन याद आ जाते हैं। मैं उन बच्चों को जाकर बिठाकर अपने हाथ से भोजन कराता हूं। प्रतिदिन 500 से 700 बच्चों के करीब में खाना वितरण करते हैं। हम सब मिल करके पहले ही इनकी सब्जियां ले आते हैं, दाल ले आते हैं, चावल ले आते हैं, आटा ले आते हैं, फिर भोजन को बनवाते हैं, उसके बाद इसको गाड़ी में रखवाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जा करके खाना करके हर बच्चे को खिलाते हैं। उस समय अपने हाथों से टुकड़ा तोड़ के उनके मुंह में देता हूँ ना, और जब वो खाते हैं मुझे देखते हैं ना, मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। पौष्टिक आहार देते हैं उनको, और वो जितने भी बच्चे हैं वो बहुत आनंद पूर्वक खाते हैं। जितना हमारा मन है हम उतने बच्चों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं। हमें आटा, दाल, चावल, तेल और इसके साथ साथ वैन की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप आगे आए, डोनेट करें, ताकि मैं सभी गरीब वर्ग के बच्चों में खाना वितरण कर सकूं।